इस देश में डलहौजी नाम का एक शहर है, मालूम है आपको, हिमाचल प्रदेश, लोग वहां हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। डलहौजी नाम का सबसे कुख्यात अंग्रेज अधिकारी, जिसका जिक्र अभी मैं कर चुका हूं, जिसने सबसे ज्यादा किसानों को बर्बाद किया, जमीनें छीनी, किसानों को भूमिहीन बनाया, उसके नाम पर इस देश में शहर बसा हुआ है। लोग वहां हनीमून मनाने जाते हैं। कैसे मना लेते हैं हनीमून एक ऐसे शहर में जो कुख्यात अंग्रेज अधिकारी के नाम पर बसा है? शहर का नाम हम क्यों नहीं बदल पाए आजादी के बाद? हमारे हिंदुस्तान में एक वास्को डिगामा नाम का शहर है, मालूम है आपको, गोवा में। वास्को डिगामा वो पुर्तगाली व्यक्ति था जो 20 मई 1498 को इस देश में आया, जिसने हिंदुस्तान के लाखों लोगों को नाखून खींच खींच कर ईसाई बनाया, क्रिश्चियन बनाया, जिसने लोगों को लूटा, संपत्ति लूटी। वास्को डिगामा की अपनी डायरी में वो लिखता है कि जब मैं पहली बार हिंदुस्तान गया तो कालीकट नाम के शहर को मैंने लूटा, और लूटकर इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात इकट्ठा हुआ कि उसको भरकर पुर्तगाल लाने के लिए 14 पानी के जहाज लगे, और एक पानी के जहाज में 50 से 60 मीट्रिक टन सामान आता था उस जमाने में। तो 14 पानी के जहाज भर के सोने चांदी हीरे जवाहरात वो लूट ले गया। उस वास्को डिगामा के नाम पर हमारे देश में नगर क्यों होना चाहिए?